देख ये भी चौथी लाश है, ये देखो ये भी बंदा, ये देख इसे कुत्ते खा रहे हैं, देखो ये भी चौथा आदमी है, ये देखिए रखा फिर। चार डेड बॉडियां मिल गई दोस्तों, चार डेड बॉडियां एक जगह के ऊपर, चार डेड बॉडियां मिल गई। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम आशु मलिक, मैं गोताखोर पटियाला पंजाब से। तो आज 30 तारीख तीसरा महीना 2022 है और आज हम कम से कम भी 5-6 महीने के बाद नहर के ऊपर चढ़ रहे हैं और अपने काम को दोबारा फिर से अंजाम देना चाह रहे हैं। और कोई कारण थे जो हमने अपना काम बंद कर दिया था, तो अब फिर हमने जो हमारी जो समाज सेवा है गोताखोर की, वो फिर दोबारा से हमने शुरू कर दी है। जो वीडियो हमारे कंटिन्यू जो लगातार पहले आते थे, अब फिर दोबारा उसी तरह आएंगे। तो दोस्तों अब हमने अपना जो काम शुरू करा है, ये मलोर हेड है, हरियाणा और पंजाब का बॉर्डर है, यहीं से SYL नहर शुरू होती है और यहीं से SYL नहर के अंदर पानी जाता है। और अब हम यहाँ से आके सफ़र शुरू करेंगे अम्बाला और कुरुक्षेत्र तक, और जो हमारा जो लास्ट पॉइंट होता है डल्ले माजरा, वहाँ तक हम जाएंगे। तो अब हमने ये देखना कि हमें आज डेड बॉडियाँ मिलती हैं कि नहीं मिलती, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद आए हैं और डेड बॉडियाँ हैं या नहीं है हमें नहीं पता, अब हम जा रहे हैं। तो जो भी जानकारी होगी हम वीडियो के अंत में करेंगे। तो आज का जो मुद्दा है मैं आपको पहले बताता हूँ, आज जो सिख कौम है, जो सरदार हैं, उनके ऊपर ये बातें की जाएंगी जी, क्योंकि पूरी दुनिया पूरा समाज जानता है सिख कौम के बारे में। तो कुछ लोग हैं जो सिख कौम को बदनाम करते हैं या उनके बारे में भला बुरा कहते हैं, तो आज मैं सिख कौम के बारे में बताऊंगा, सिख कौम है क्या। तो इस मुद्दे को सुनना जरूर, सबसे पहले हम वीडियो को शुरू करते हैं, बाकी बातें वीडियो के अंत में करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम अपने सफ़र को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये टांगरी नदी का पुल है, अम्बाला जिले के अंदर हम पहुंच गए हैं। इसके फ्रंट पर तो कुछ नहीं दिख रहा, अब बैक साइड पे चलते हैं, उधर देखते हैं अगर कुछ मिलता है तो। चलिए हम ना आपका ज़्यादा समय ख़राब नहीं करेंगे, आज वीडियो का जो थोड़ा है वो थोड़ा लंबा जाएगा, क्योंकि हमने कुछ मुद्दे रखे हुए जो मैंने बताया था। और दोस्तों बताना चाहता हूँ, रमज़ान आ रहा है तो रोज़े रखना, तरावियाँ पढ़ना, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो हम जितने भी आने वाले जो टाइम होंगे हमारे वीडियो में, उसके अंदर हर धर्मों की जानकारी देंगे, किसी भी धर्म के बारे में ये नहीं होगा कि हम जा रहे हैं। और एक चीज़ हम आपसे और शेयर करना चाहते हैं कि किसी भी धर्म की हम बुराई नहीं दिखाएंगे, यानी नेगेटिव नहीं दिखाएंगे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर धर्म के बारे में, हर त्यौहार के बारे में बताएंगे, पर नेगेटिव नहीं दिखाएंगे। अगर उनकी कुछ बातें ऐसी हैं जो समाज को तोड़ने का काम करती हैं, वो हम बिल्कुल नहीं दिखाएंगे, चाहे कोई मेरे लिए गलत कमेंट करे, कोई अच्छे कमेंट करे, कोई मेरा चैनल छोड़ना चाहता है चला जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। अब मैं दब के काम नहीं करूँगा, खुल के काम करूँगा, नेगेटिव नहीं दिखाऊँगा, हर धर्म के बारे में अच्छा दिखाऊँगा और बढ़िया दिखाऊँगा। तो चलिए दोस्तों बाकी बातें वीडियो के अंत में करूँ, क्योंकि आज के मुद्दे कुछ, आज की जो बातें वो गर्म है, वीडियो के अंत में करेंगे। सबसे पहले हम अपने काम को जारी रखते हैं। तो दोस्तों ये है बैक साइड, मैं फिर बोल रहा हूँ, आज का मुद्दा गर्म है और सिख कौम के लिए चल रहा है। और मैं बार बार फिर नहरों के बारे में जानकारी देता हूँ, ये जो है नरवाना ब्रांच लिंक नहर है, ये साथ ही चल रही है दोस्तों। SYL नहर दिखा दे बेटा, ये इधर SYL नहर जा रही है इधर, और ये जा रही है नरवाना ब्रांच नहर, और पानी निर्मल, स्वस्थ और साफ है फिलहाल तौर पर। और यहाँ पर अभी कुछ है नहीं, एक बोरी पड़ी है, पर ये नहीं पता बोरी के अंदर क्या है अभी फिलहाल तौर पर। मैं ज़्यादा पंगे नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि आज मेरा 6 महीने के बाद वीडियो आ रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा पंगे नहीं ले रहा हूँ। बोरी के अंदर वैसे स्मेल तो आ रही है, कुछ पड़ा है, देखो दिखा दे बेटा, ये देखो बोरी के अंदर कुछ है, पर मैं इसको छेड़ूंगा नहीं अभी फिलहाल तौर पे, क्योंकि ना आज सबसे पहले मैं ऊपर की चीज़ें देखूंगा, ऊपर क्या है इसको चेक जरूर करूंगा बोरी को मैं आगे, आज नहीं नेक्स्ट टाइम। तो चलिए हम अपने सफ़र को जारी रखते हैं, ध्यान रखना आज का मुद्दा सिख कौम के ऊपर है, वीडियो के अंत तक बढ़े रहना, बाकी बातें वीडियो के अंत में करेंगे। तो चलिए अपना सफ़र को जारी रखते हैं। तो दोस्तों जो हमारा मेन ठिकाना है डल्ले माजरे, जहाँ पे मैं अक्सर आपको वीडियो डालता रहता हूँ, मैं मौके पे पहुँच गया हूँ।
तो फिर मैं कह रहा हूँ आज का मुद्दा सिख कौम के लिए, उसके जरूर सुनना। तो सबसे पहले हम यह देखते हैं जिस मकसद के लिए आए हैं, यहाँ पे कोई डेड बॉडी है या नहीं है। तो दुआ करते हैं ईश्वर से, वाहेगुरु से, अल्लाह से कि यहाँ पे हमें कुछ ना मिले, फिर भी हम अपना काम को अंजाम देने के लिए आए हैं। तो 6 महीने के बाद आए नहर पे, तो चलिए सबसे पहले हम ये चीजें देखते हैं यहाँ पे कुछ है कि नहीं है। तो बाकी बातें तो वीडियो के अंत में होती रहेंगी और ये मुद्दे उठाते रहेंगे। हमने आपसे पहले ही बात करी इसके बारे में, मुद्दे तो हमारे चलते रहेंगे क्योंकि ना वो क्या है। तो काफी टाइम के बाद आए, देखो ये जानवर है किसी चीज का पैर लेके खा रहा है। देखो ये कुत्ते ना यहाँ पे बहुत ऐसे फिरते रहते हैं। आ जाओ, आज भी वही हाल है यहाँ पे। गंद पूरा है। आ जा आ जा आ जा। देखो तो दोस्तों, देखो कितने टाइम के बाद आए हूँ, पहली डेड बॉडी देखो मिल गया, और ही एक डेड बॉडी हमें मिल गई है। कोई लड़का है, छोटी उम्र का ही लड़का लग रहा है। तो दोस्तों इसने टी शर्ट डाली है, डेड बॉडी की कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो रही है, सिर पे वैसे बाल दिख रहे हैं और इसने कच्छा भी डाला हुआ है। हाय हाय, रुक जा मैं एक डंडा लेके आता हूँ सर्व करके। तो दोस्तों आप ना वीडियो के एंड तक बने रहना, मैं एक बार पहले पूरी नहर को चेक कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपसे बाकी बातें करूँगा। एक बार जो उस साइड है वो भी देख लूँ। ये तो देख ली डेड बॉडी हमें मिल गई है, आप वीडियो के अंत तक बने रहना। देखो काफ़ी टाइम के बाद है, 6 महीने के बाद में, दिल दुखता है इन चीज़ों को देखने के बाद में। मैं बाद में बताऊंगा इसके कारण क्या है, क्या रीज़न है इनका। आ जाओ, तो एक दो तेरी दो डेड बॉडियां। तो दोस्तों यहाँ पे भी दो डेड बॉडियां पड़ी हैं, एक ये पड़ी है, एक वो पड़ी, दो डेड बॉडी यहाँ पे भी, इसने गर्म कपड़े डाले हो देखो, एक और यहाँ पे भी दो डेड बॉडियां पड़ी हैं। तो दोस्तों देख लो, 6 महीने के बाद आए हो, 6 महीने के बाद 3 डेड बॉडियां मिल चुकी हैं, 1, 2, 3 लगातार डल्ले माजरे। ये कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंदर है डल्ले माजरा। तो चलो दोस्तों मैं एक बार पहले पूरी नहर को क्लियर कर लेता हूँ, फिर मैं यहाँ पे देखता हूँ कोई और डेड बॉडी तो नहीं है। मेरे बेटे में और देख लो कोई। दो ही डेड बॉडियां पड़ी हैं ना, चलो देखते हैं बाकी। और आगे डंडा से लेके ना, फिलहाल दोस्तों 3 डेड बॉडियां मिल गई हैं। कोई डंडा देखता हूँ मैं, देखता हूँ कोई, क्योंकि एक डेड बॉडी पे कपड़े नहीं है ना, वो ढकने पड़ेंगे उसको, एक डेड बॉडी नंगी है। बाकी 3 डेड बॉडियां मिल चुकी हैं। ये कुत्ते क्या खा रहे हैं, 3 तो कन्फर्म है, पर ये पता नहीं क्या है, इसको भी देखता हूँ क्या है अभी, ये भी देखता हूँ क्या है अभी, एक मिनट रुक जाओ। 3 डेड बॉडी तो कन्फर्म है, एक ये होगी, एक और होगी, 3 तो होगी हैं, बाकी मैं भी ढूंढता हूँ यहाँ पे और, उसके बाद बताता हूँ डंडा ले गई। ये पता नहीं कोई, मेरे ख्याल से जानवर लग रहा है। तो दोस्तों अभी 3 डेड बॉडियां हैं, चलो मैं विस्तार से बताऊंगा, एक बार वीडियो के अंत तक बने रहना। देखो मतलब 6 महीने के बाद आया हूँ, पता नहीं यहाँ कितनी डेड बॉडी है, कुत्ते खा गए, सड़ गई, गल गई, मेरे को नहीं पता, पर यहाँ पे 6 महीने के बाद आया हूँ। 6 महीने के बाद देखो 3 डेड बॉडियां फिलहाल अभी यहाँ पे पड़ी हुई हैं। तो मैं उनकी जो डिटेल है विस्तार से दूंगा, एक बार मैं उनको सही तरह के डंडे उंडा देख लूँ, उसको साइड पे लगा के फिर बताता हूँ उनके बारे में क्या है, किस तरह है, कौन है, किस तरह के उनके कोई निशानियाँ वगैरह, जो मैं वीडियो के अंत तक आपको सारा समझाऊंगा। एक बार पहले मैं उनको ठीक कर लूँ। तो दोस्तों इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना, मैंने आपसे बोला आज एक मुद्दा है, वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी, तो इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, कुछ बातें ऐसी जो आपके और आपके समाज के हित की बातें हैं। तो चलिए सबसे पहले जो डेड बॉडी का है वो है, मुद्दा थोड़ा सा बदल गया है और माइंड भी मेरा थोड़ा सा बदल गया उनको देखने के बाद में। तो जो भी बातें हैं जो मेरे से बोली जाएंगी मैं बोलूँगा, थोड़ा सा बोला भी नहीं जा रहा है। एक बार पहले सबसे पहले बॉडी देखता हूँ, क्योंकि इंसान की बॉडी है, कोई जानवर नहीं है। 3 डेड बॉडियां एक शहर के अंदर एक जगह पे पड़ा होना ये कोई छोटी घटना नहीं है, ये अगर इसको माने तो ये बहुत बड़ी घटना है। तो सबसे पहले बॉडियां देखता हूँ, बाकी बातें वीडियो के अंत में करूँगा। तो उन बॉडी को देखे उसके बस मेरे बोले जा रहे, बाकी वीडियो के अंत में करूँगा।
ओए होए होए देख ये भी चौथी लाश है, ये देखो ये भी बंदा, ये देख इसे कुत्ते खा रहे हैं, देखो ये भी चौथा आदमी है, ये देखिए रख फिर ये भी चौथा आदमी है, एक मिनट रुको उठा ले, चार डेड बॉडियां मिल गई दोस्तों, चार डेड बॉडियां एक जगह के ऊपर, चार डेड बॉडियां मिल गई, बताया क्या हाल हो रहा है इंसानियत का। कोई चीज लानी पड़ेगी रुको। तो दोस्तों यहाँ पर चार रेड बॉडियां, टोटल विस्तार से सुनना, ध्यान से सुनना उनकी निशानियां क्या है, क्या चीजें हैं। एक जो डेड बॉडी है पहली मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, सबसे पहले तीन डेड बॉडियां, इनके अंदर चार डेड बॉडियों में एक डेड बॉडी लेडीज की है, महिला की है, और तीन डेड बॉडियां जेंट्स की है, जिनके अंदर एक बहुत कम उम्र का लड़का भी लग रहा है जो 18-20 साल का देखने में लग रहा सिर्फ, और ये जो है ये डेड बॉडी लग रही है तकरीबन 35-40 साल का लग रहा है, और ये वाली जो डेड बॉडी है, जो ये वाली डेड बॉडी लग रही है इसकी भी उम्र लमसम ऐसी 35-40 साल लग रही है, और लड़की के ऊपर बदन पे कपड़े, लड़की ने सिर्फ एक लाल रंग का अंडरवियर पहना हो और शरीर के ऊपर कोई कपड़ा नहीं है किसी तरह का भी, बाकी डेड बॉडी की जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा ख़राब है, मेरे को लगता है महीने दो महीने से डेड बॉडी किसी ने छेड़ा नहीं है, यहीं पे पड़ी पड़ी सड़ रही है, बड़ा दुख हुआ है कि हाँ भाई मैंने जो 6 महीने काम मतलब छोड़ दिया, तो मैंने देखा तकरीबन या 6 महीने के बाद किसी ने कोई डेड बॉडी का कोई जानकारी या अपडेट दे दी, और मैं भी आपको सिर्फ आज अपडेट ही दूंगा, डेड बॉडी को ठुआऊंगा नहीं मैं, किसी को सूचना नहीं देने वाला, मैं सिर्फ आपको अपना बता रहा हूँ कि डेड बॉडी का कहाँ पे पड़ी है, एड्रेस दूंगा सिर्फ मैं भी रियलिटी बता रहा हूँ, मैं भी किसी को सूचना नहीं दूंगा, क्योंकि अब हम नए सिरे से नई जानकारी से अपना काम को शुरू करने जा रहे हैं, तरीके से हम काम करेंगे और कानून के दायरे में रह के काम करेंगे, पहले हमें बीच में हमारे चैनल को गाइडलाइन ने स्ट्राइक के बहुत कुछ ऐसा झेलना पड़ा जिसके कारण मुझे ये काम छोड़ना पड़ गया, 6 महीने के लिए काम बंद करना पड़ गया, इस काम को दोबारा जारी करने के लिए कुछ गाइडलाइनें मिली हैं, उनको मैं फॉलो जरूर करूंगा, लेकिन इस काम को बड़ी दूर तक लेके जाऊंगा, जहां तक मेरा सपना उस सपने को साकार करूंगा दूर तक लेके जाऊंगा। ये जो डेड बॉडी है पहली, इसने काले रंग की जैकेट पहनी है, नीचे एक स्लेटी से रंग का बनियान डाला हुआ है, सफेद रंग की पैंट है, ऊपर नीचे एक अंडरवियर डाला हुआ है, और बेल्ट काले रंग की है जो इसने लगा रखी है, व्हाइट रंग की सफेद रंग की यानी पैंट इसकी साइड पॉकेट है। जो अगला लड़का है उसने ना एक बारीक सा स्वेटर पहना हुआ है स्लेटी से, जैसे मेरा कलर टी शर्ट का इसी कलर की उसने टी शर्ट डाली हुई है, और जो लड़की दोस्तों घूम रही है पहली तरह आप देख रहे हो, उसने सिर्फ ओनली ऑन, ये वाली जो लड़की है जिसने सिर्फ ओनली ऑन लाल रंग का एक अंडरवियर पहना हुआ, शरीर के ऊपर बेचारी कोई कपड़ा नहीं है मेरी बहन के, और हल्फ नंगी है कपड़ा नहीं, इसलिए मैंने इसको उल्टी करके मैं ज़्यादा इसको दिखाना नहीं चाह रहा, बेटे ज़्यादा मत दिखाओ तो कैमरा उधर मत घुमा बार बार। तो ये जो डेड बॉडी है यहाँ पे पड़ी है डल्ले माजरा गाँव, जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंदर है डल्ले माजरा गाँव, नज़दीक बिल्कुल ठोल गांव पड़ता है, मैं बार बार आपको लगातार जो मेरे 2013 से मैं वीडियो डाल रहा हूँ तकरीबन कोशिश करता हूँ कि मैं इस शहर की दिखाता हूँ, क्योंकि ये मेन पुल है पंजाब से जो नहर आती है, जो डेड बॉडियाँ वो डंडे मार मार के दिखा दिखा के यहाँ तक पहुँचा देते हैं, मैं ये नहीं कहता यहाँ के प्रशासन की सरकार की या पुलिस की कोई नाकामी है, मैं इस बारे में बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि ये पुलिस ने डेड बॉडी नहीं घेरी है, ये समाज ने घेरी हुई है, ये वो लोग हैं जिन्होंने सुसाइड किया है, इनको मर्डर करके डाल दिया है, जो हादसे के शिकार होंगे, कोई नहाते हुए गिर गया, कोई कैसे गिर गया, कोई किस तरह गिर गया, जाहिर सी बात है लड़की ने या तो सुसाइड किया या किसी ने मार के डाल दिया, नॉर्मल सी बात है लड़की वैसे नहीं गिरी होगी, चलो इनकी मानते हैं बाइक स्लिप होगी या किसी हादसे का शिकार हो गया या इन्होंने सुसाइड कर लिया, तकरीबन इस लड़की का तो कह सकते हैं कोई ना कोई हादसा हुआ है जिस हिसाब से। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा इस लड़की का एक हाथ जो है ना कुत्ते खा गए हैं, शरीर पर कोई बाकी और कपड़ा निशान कुछ दिख नहीं रहा है, मैं एक बार देख लेता हूँ उसके हाथ को, बेटे कैमरा लड़की की तरह मत करियो बिल्कुल भी, ठीक है मैं वैसे ही देख रहा हूँ कैमरा, बेटे कैमरा ना बॉडी की तरह मत करियो, एक बार मैं इसके निशाने देख लेता हूँ, क्योंकि लड़की के बदन पर कपड़े नहीं है, उम्र तो इसकी कोई ज़्यादा नहीं है दोस्तों, ये उम्र तो कमी है, ओहो इसके सज्जे हाथ में ना एक लोहे का कड़ा है दोस्तों, सज्जे हाथ में इसके एक लोहे का कड़ा है और कुछ नहीं है, सज्जे हाथ में दोस्तों इस लड़की के सिर्फ एक लोहे का कड़ा है और शरीर पे कुछ दिख नहीं रहा है, और ऐसा नहीं यहाँ पे पब्लिक नहीं आती, उधर देखो मोटरसाइकिल जा रही है, इधर ये भाई भी जा रहे दिखा बैठे उधर से, यहाँ पे ना लोग पब्लिक आती जाती है, पर समाज के हर कोई अपने अपने काम से निकलता है, अपने अपने काम से इन चीज़ों का कोई ध्यान नहीं देता, पर बड़े दुख की बात हो सकता है इनके नीचे भी कोई डेड बॉडी है, पर हमें चार डेड बॉडियाँ अब तक मिल चुकी हैं, तो दोस्तों अब तक हमें चार डेड बॉडियाँ मिल गई, ये भी एक शर्मिंदगी की बात है, देखो एक डेड बॉडी ये पड़ी है, एक मिनट रुक जाओ बेटे कैमरा नीचे ना करिए, और मैं एक डेड बॉडी का थोड़ा सा नंगे कपड़ा ढक दूँ, ले अब कोई दिक्कत नहीं है, बॉडी दिखा दे कोई दिक्कत नहीं है,
तो दोस्तों एक डेड बॉडी के सिर्फ ऊपर ऊपर कपड़े हैं, टी शर्ट वगैरह उसने डाली हुई है, दूसरे की जो पैंट पुंट है गल चुकी है, डेड बॉडी की कंडीशन खराब है। तो अब चलो पहले पहली तरफ चलते हैं, जो चौथी डेड बॉडी है उसके बारे में एक बार और बता दूं, क्योंकि जो कुछ बातें जो वीडियो के अंत में भी हम बात कर लेंगे, डेड बॉडी मैंने देख ली तकरीबन सारी निशान इनकी समझ ली क्या है वो वीडियो के अंत में कर लेंगे। चलो पहले पहली तरफ चलते हैं। आम आदमी जिस तरह चल रहे हैं बेचारे, कोई यहाँ चल नहीं पाएगा, यहाँ का सिर्फ जो लोकल आदमी है उनको तो इनकी आदत पड़ गई, बर्दाश्त हो गई, पर यहाँ इतनी स्मेल है कोई, मैं कह रहा जो ये लोग है ना मैकडोनल्ड में खाते हैं, बड़े बड़े होटलों में खाते हैं, करो यहाँ आगे ना मैं उस रब की कसम खा रहा है एक महीना रोटी नहीं खाएंगे, इतना बुरा हाल है कि स्मेल है यहाँ पर। तो दोस्तों जो चौथी और आखिरी डेड बॉडी है वो ये है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखो ये वो लड़का है जिसने काले रंग का अंडरवियर पहन रखा है, तो टी शर्ट पहन रखी है डबल, और बाल बड़े बड़े हैं इस लड़के के। कहाँ से लोकल हो भाई, कहाँ से हो? डगडोली। कितने किलोमीटर है? डेड बॉडी यहाँ आती रहे, मैंने कहा इस तरह तुम देखते रहे, इस तरह अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पाँच छः डेड बॉडियाँ पड़ी हैं, बहुत बुरा हाल है। इस तरह ये पड़ा लड़का बेचारा यंग जवान, इसका बेचारा घर का बच्चा है, तो यहाँ पुलिस वगैरह नहीं आती इनको गौर करने के लिए? गाँव को क्या आदमी कोई सहयोग नहीं करते? तो दिखा दे बेटे ये लड़का है, देखो छोटा सा, ज़्यादा उम्र का लड़का नहीं है। अरे ये हमारे भाई हैं बेचारे जो मोटरसाइकिल पर राह गिर रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि ना यहाँ के तकरीबन आप देखते रहोगे यहाँ पे कोई ना कोई निकलता रहता है, क्योंकि इन लोगों को रोज़ की आदत पड़ गई है, डेड बॉडी रोज डेली आती है, कभी कभी आते हैं डेली कभी पड़ जाएंगे। तो दोस्तों जैसे यहाँ से पता लग रहा है कि ये डेड बॉडियाँ डेली बेस के ऊपर यहाँ पर आती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों बाकी बातें हम वीडियो के अंत में करेंगे, सबसे पहले हम इन वीडियो की डिटेल देते हैं। चलो चलते हाँ भाई, भाई यहाँ तो नहीं, मैं तो देख रहा जैसे चार पांच चार डेड बॉडियाँ मिली मेरे को, और एक लड़की है और तीन देखो आदमी है, बड़ा अजीब लगता है यार भाई देख के इन बातों को, इंसानी की बिल्कुल मर चुकी है आज के दौर में। हाँ आ जाओ। तो दोस्तों आपने देखा किस तरीके से ये डेड बॉडियाँ पड़ी पड़ी यहाँ सड़ रही हैं, इसको इंसानियत नहीं कहते, ये इंसानियत नहीं, इंसानियत और सेवा। आज मैंने आपसे बोला था वीडियो के स्टार्टिंग में कि सिख कौम क्या होती है, सरदार जो है जिनको आप सरदार बोलते हो सिख बोलते हो वो कौम क्या है, उसके बारे में वीडियो के अंत में करूँगा, सबसे पहले मैं डेड बॉडी के बारे में जानकारी दे दूँ। तो दोस्तों जो सबसे पहली डेड बॉडी है वो एक यंग लड़का है जिसकी उम्र 18 से 20 साल है, तकरीबन डेड बॉडी 15 से 20 दिन पुरानी है, उसके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, एक अंडरवियर और एक टी शर्ट और एक गर्म उसने स्लेटी रंग का इनर डाला और बाकी शरीर पर कुछ नहीं है। और जो दूसरी डेड बॉडी है उसने एक गर्म जैकेट पहनी हुई है स्लेटी से रंग की, और एक अंदर टी शर्ट डाली हुई, एक बनियान डाली, एक अंडरवियर और सफ़ेद रंग की पैंट और चमड़े की बेल्ट लगी है, वो भी डेड बॉडी 15 से 20 दिन पुरानी है। और जो तीसरी डेड बॉडी है दोस्तों वो डेड बॉडी कम से कम 25 से लेकर 30 दिन पुरानी है, एक महीने की लगा के चलना, बिल्कुल हल्फ नंगा, शरीर के ऊपर कोई कपड़ा नहीं है, तकरीबन उसकी उम्र भी तकरीबन लगा लो 35 से 40 साल के लमसम है। और जो चौथी और आखिरी डेड बॉडी है दोस्तों वो एक महिला और एक लड़की की डेड बॉडी है। बड़े शर्म की बात है कि आज हम ऐसे समाज के अंदर जी रहे हैं जहाँ पे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उन डेड बॉडी को देख रहे हैं और देख के फिर अनदेखा कर रहे हैं कि जैसे एक जानवर हो, एक डमी हो, एक पुतला हो, एक जो कूड़े कबाड़े के अंदर पड़ा हुआ जिसका कोई आज कोई मोल ही नहीं है ये समझ लो। तो उस लड़की के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ, वो मेरी बहन तकरीबन कोई तकरीबन ये लगा लो 20 से लेकर 30 साल के लमसम लग रही, क्योंकि शरीर ज़्यादा ख़राब हो चुका है, डेड बॉडी 15 से लेकर और 22 दिन के बीच बीच की वो डेड बॉडी है, उसकी जो मेन निशानी है मैं सिर्फ वही बता सकता हूँ, शरीर के ऊपर बाकी कोई निशानियाँ नज़र नहीं आ रही। उस मेरी बहन का जो सज्जा हाथ है उसके अंदर एक लोहे का बारीक सा कड़ा उसने डाला हुआ है,
और एक लाल रंग का अंडरवियर डाला हुआ शरीर के ऊपर, बाकी कोई कपड़ा कोई चिन्ह कोई मार्क लग नहीं रहा, और देखने में किसी अच्छे से घर की लग रही है, और शरीर बिल्कुल साफ सुथरा है, ऐसा देखने से प्रतीत दे रहा है कि जो डेड बॉडी है वो चंडीगढ़ मोहाली पंचकूला जीरकपुर बनूड़ इस साइड की देखने में लग रही है फिलहाल तौर पे, क्योंकि नहरे उधर से आते हैं, रोपड़ मरिंडा कीरतपुर भरतगढ़ चंडीगढ़ और तुम्हारा लुधियाना सरंद राजपुरा पटियाला अम्बाला ये सारी चीज़ें लगती हैं यहाँ पर देखने में जो उसकी लड़की कंडीशन लग रही है वो ज़्यादातर वो बनूड़ जीरकपुर मोहाली पंचकूला उस साइड की देखने में लड़की लग रही है। और 15 से 20 दिन के अंदर अगर इस एरिया से कोई लड़की गुम है या गायब है तो मेरे दोस्तों मैं जगह बता रहा हूँ, ये हरियाणा का कुरुक्षेत्र जिला है, हरियाणा के अंदर कुरुक्षेत्र जिला है, डल्ले माजरा गांव में नज़दीक पड़ता है गांव ठोल, और ये घोड़ा पुलिस साइफन है, नहर के नीचे से नहर निकल रही है और यहाँ पे डेड बॉडी पड़ी हुई है, 4 डेड बॉडियाँ पड़ी हुई हैं। अगर मेरा कोई भाई मेरा मित्र मेरा दोस्त इस वीडियो को देख रहा है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हो सकता है आपके एक शेयर से किसी परिवार का भला हो जाए, वो बेचारे इसको पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढ रहे होंगे, ये नहीं पता कि वो घर से क्या क्या के निकला है, ये नहीं पता किसी ने इनको मार के घेर दिया, बेचारे हादसे के शिकार हो गए, क्या इनके साथ बीती है वो रब जानता है, वो ईश्वर जानता है, वाहेगुरु वो अल्लाह जानता है। देखो मजहब देख के कभी किसी चीज़ को पोस्ट मत किया करो कि किस धर्म की है किस जाति की है किस पंथ की है, इंसानियत निभाओ। हमेशा इन वीडियो को इसलिए शेयर करने के लिए बोलता हूँ, मेरे को इससे कोई लालच नहीं है। आज मैं आपको सबसे पहले चीज़ दिखाना चाहूँगा कि सबसे पहले देखो अभी मेरी स्क्रीन के ऊपर देखो, ये मेरी स्क्रीन जो चल रही है ना स्क्रीन के ऊपर ये मेरा ग्राफ है, क्या मेरे को यूट्यूब देता है देखो आप, ये मेरे ही स्क्रीन शॉट है, आप देख लो क्या मेरे को यूट्यूब देता है, मैं क्या इनकम करता हूँ, क्या मेरे को इन वीडियो से मिलता है, ये मैं इसीलिए आपको स्क्रीन शॉट दिखा रहा हूँ, देखते रहो आप इनको, ये मेरी स्क्रीन शॉट है। तो देख लिया दोस्तों ये है मेरी यूट्यूब की इनकम, मैं बताता हूँ मेरा घर परिवार क्या चलता है, मेरा घर परिवार हर जाति हर धर्म हर मजहब से चलता है, मैं ये नहीं कहता मेरे को एक चलाता है, मैं तुम्हें सबसे पहले दिखाऊंगा जो मेरे धर्म के अंदर और जो मेरे भाई हैं जो सॉरी मैं धर्म के अंदर कह रहा हूँ, मेरे को सबसे ज़्यादा डोनेशन कौन लोग देते हैं वो है सिख धर्म, सबसे नंबर वन के ऊपर है सिख धर्म, जो मेरे भाई यहाँ से पंजाब से गए हुए हैं जो इंग्लैंड जर्मन कनाडा फ्रांस यूके वहाँ जाके बैठे हुए हैं और वो मेरे भाई मुझे वहाँ से डोनेशन करते हैं और मेरा घर परिवार उस डोनेशन से चलता है, मेरे को यूट्यूब से कोई इनकम नहीं, मेरा एक्टर भी कोई काम नहीं है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे मेरे वो भाई हैं जो ईसाई हैं, जो मेरी बहन है जो बेंगलुरु से है ईसाई धर्म से है बेंगलुरु से है, वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहती है, तो उसने लगातार कई महीने तक मेरी उस बहन ने मेरे को 1000 रुपये महीना भेजा है, ठीक है। तीसरे नंबर पर मेरी एक बहन हो रही है पंजाब से ही है, वो इंग्लैंड के अंदर रहती है, मैं ये इन्होंने मेरे को बोला कि नाम नहीं लेना, मैं फिर उस बहन के सिर्फ बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ। एक बार उस मेरी बहन ने मेरे को $500 भेजे हैं, एक बार मेरी बहन ने $150 भेजे, एक बार $100 भेजे हैं, वो मेरी बहन समय समय पे मेरी मदद करती रहती है। एक मेरे भाई हैं यहीं से ही कनाडा में रह रहे हो, ठीक है, वो भी मेरी काफ़ी मदद कर रहे हैं, ठीक है। एक जस्सी साहब हैं वो मेरी मदद कर रहे हैं, एक संधू साहब है वो मेरी मदद कर रहे हैं, सम्मी भाई है अमेरिका से, ठीक है, बहुत से लोग हैं जो मेरी हेल्प करते रहते हैं, उन्हीं से मेरा परिवार चलता है। तो मैं किसी इस तरह के वो मुद्दे उठा के YouTube से जो पैसे नहीं कमाते, ये डाल दिया वो डाल दिया इधर की बातें उधर की बातें डाल दी, मैं उस तरीके से पैसे नहीं कमाता और YouTube पे मेरी इनकम नहीं, मैंने आपको दिखा भी दिया। और ये जो मैंने ग्राफ दिखाया आपको पिछले एक साल का ग्राफ दिखा रहा हूँ, एक साल के अंदर मेरे को क्या मिला है, क्या मैंने YouTube से कमाया, क्या लिया क्या दिया, पूरा काला चिट्ठा आपके सामने मेरा है। तो अब आ जाते हैं सिख धर्म के ऊपर, आप ना सिख धर्म के ऊपर कुछ लोग ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं कि सिख धर्म आतंकवादी हैं और इनके जो गुरु हैं उनको गलत बोलते हो, इनकी कुछ NGO है जैसे खालसा एड होगी, बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो समाज के अंदर भलाई का और नेक नियति से काम कर रहे हो, तो आप इनका क्या मुकाबला कर पाओगे। तो आज बात हिंदू मुस्लिम और ईसाइयों की नहीं, आज बात है सिखों की, मैं हर रोज़ एक मुद्दा उठाऊंगा और एक धर्म की बात करूं, तो आज मैंने बात उठाई है सिख धर्म की। तो सबसे पहले चलते हैं इनके इतिहास के अंदर, इतिहास के अंदर जो सबसे बड़ी जीत दिलाने का जो श्रेय है वो सिख धर्म के ऊपर है, जो हम आज आज़ादी की सांस ले रहे हैं, खुल के जीतते हैं, अच्छा खाते हैं अच्छा पहनते हैं, तो उसके अंदर सबसे बड़ा योगदान सिख धर्म का है। इन लोगों ने अपने आप को बेचा नहीं है, कभी अपने आप को झुकने नहीं दिया, बदनाम होने दिया, अपना मुंह काला नहीं, अपने हाथ काले कर लिए, मैकेनिक का काम करा है, हर चीज़ करिए, भीख मांगता हो तुम्हें कभी सरदार नज़र नहीं आएगा। सबसे ज़्यादा इन लोगों के साथ अत्याचार हुआ है 47 के अंदर, जब देश हमारा बंटवारा हुआ था उस टाइम सबसे ज़्यादा जो खामियाजा भुगता है तो वो सिख कौम है, जिन्होंने अपने बच्चे गवाए, अपनी औरतों के साथ बच्चों के साथ अपनी आंखों के सामने बलात्कार होते हुए देखा, उनको कत्लेआम होते हुए देखा। फिर उसके बाद में 84 के अंदर
इनकी बच्चों के साथ में कितना बुरा व्यवहार किया गया, इनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया गया। टायर डाल डाल के एक माँ के सामने जवान बच्चे जला दिए, पति को जला दिया, बहनों को जला दिया, बच्चों को काट दिया इनके सामने, फिर भी इनके दिल के अंदर मलाल नहीं है, अपना गुस्से को कंट्रोल रखते हैं। और आज दान देने के अंदर आज बात आ जाओ, इस कौम के ऊपर इतना अत्याचार होने के बाद ही पूरी दुनिया के ऊपर राज करती है ये कौम, पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए ये लोग। आज समाज सेवा के अंदर आज उठा लो तो सिख धर्म एक नंबर के ऊपर आएगा, एक नंबर के ऊपर। कई मंदिर, कई मस्जिद, कई गुरुद्वारे होंगे जिनके अंदर प्रवेश बंद है कि फलानी जगह पे इस धर्म का नहीं जा सकता, उस जाति का। चलो मैं अभी तुम्हारे को तीन जगह मैं दिखा देता हूँ, बैंगलोर वहाँ पे अपना कर्नाटक के अंदर मंदिर है जहाँ पे दलितों को जाना मना है, कई मंदिर ऐसे हैं ये उत्तर प्रदेश में जहाँ पे दलितों को जाना मना है, महाराष्ट्र में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, ज़्यादा दूर क्यों जाते डास नहीं चले जाओ, वहाँ पे मुसलमान का प्रवेश नहीं है। नरसिंहानंद आप वीडियो देखते होंगे उसकी, वहाँ पे उसने साफ साफ बड़े लफ्जों के अंदर बोर्ड लगा रखा है कि मुसलमान यहाँ पे वर्जित है, मुसलमान अंदर नहीं बढ़ सकता। कभी आपने गुरुद्वारे के अंदर ये चीज़ें देखी हैं कि दलित नहीं बढ़ सकता, हिंदू नहीं बढ़ सकता, मुसलमान नहीं बढ़ सकता, ईसाई नहीं बढ़ सकता, ये रोज़े भी खुलवाते हैं। जब हमारी झांकियाँ निकलती है, राम की बरात निकलती है, तब पूरा सहयोग करते हैं, लंगर लगाते हैं, पानी पिलाते हैं, देसी घी के लंगर लगाते हैं, खीर इतनी बेहतरीन खीर बनाते हैं, काजू बादामों के लंगर लगाते हैं। जिंदा दिल कौम है, तो इनको सलूट है मेरी तरफ से इस कौम को। आज मेरा कोई वीडियो लाइक करे ना करे, कमेंट करे ना करे, कोई मुझे अच्छा कहे बुरा कहे, जो सच्चाई है मैं हमेशा आ रहा हर वीडियो में लाऊंगा, अब मैं दबूंगा नहीं। अगर जिस चीज कौम के बारे में मेरे सामने अच्छाई और अच्छाई बातें आएंगी, उस बातों को मैं उठाऊंगा और उन मुद्दों को मैं अब लाऊंगा। अब मेरे चैनल के ऊपर आपको न्यूज़, खबरें, बॉलीवुड की खबरें, हर तरह की खबरें जो देश विदेश में चल रहा है, वो हर चीज़ें अब मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाऊंगा और नहर के बारे में बताऊंगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बार फिर इस एड्रेस को जहाँ पे डेड बॉडियाँ पड़ी हैं, अगर मेरा कोई भाई, मेरा मित्र, मेरा दोस्त उसके अड़ोस से पड़ोस से कोई रिश्तेदारी से घूमे, तो मैं फिर बता रहा हूँ, डल्ले माजरा गाँव ठोल के पास जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर ही है ये जगह। अगर कोई मेरा भाई घूमे तो इस जगह पर आके डेड बॉडियाँ चार पड़ी हुई हैं, आके अपनी बॉडी को साम ले और यहाँ से निकाल के ले जाए। तो ये था मेरा दोस्तों आज का वीडियो, और हमेशा मैंने फिर बोला मैं मुद्दे उठाता रहूँगा, कोई मुझे लाइक करे या ना करे, कोई कमेंट करे ना करे, कोई मुझे पसंद करे ना करे, मुझे से कोई मतलब नहीं है। मैं जो बातें सत्य हैं और मैं उन बातों को उठाता रहूँगा। फिर कह रहा हूँ सलूट है सिख कौम को मेरे लिए और मेरे उन भाइयों के लिए जो सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया के अंदर सबकी मदद, मेरी नहीं, मैंने तो बोल दिया मेरे को मदद मिलती है। मैं हर उस जाति को, वो पता क्या धर्म नहीं देखते, जब वो किसी की मदद करते हैं ना, कोई भी बेचारा मुसीबत में, उसका घर बनना हो, बेटी की शादी हो, कैंसर हो रहा हो, टीवी हो रही हो, कोई बीमार हो, ये काम ना हो, उसके पास रोजगार ना हो, रोटी ना हो, खाना ना हो, तो सिख कौम सबसे पहले वहाँ पे पहुँचती है। ध्यान रख लेना, पूरी दुनिया, इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में कह रहा हूँ, चाहे वो हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, भूटान, इराक, ईरान, कुवैत, बगदाद, जहाँ मर्जी हो, चाहे आज रशिया और वहाँ की जो लड़ाई चल रही है यूक्रेन की, वहाँ पर भी देख लो सिख कौम सबसे पहले पहुंच गया, और वहाँ पे देख लो लंगर जा रही है उनका, मेहनत कर रहे हैं वो लोग। तो जिंदा दिल कौम बनो, इंसानियत को पकड़ो, धर्म जाति जात को पीछे छोड़ दो, आपकी नस्लें खोखली हो जाएंगी, दुनिया के अंदर कुछ नहीं बचेगा अगर आप जाति और धर्म को पकड़ के बैठे रहोगे। तो मैं जाने अनजाने के अंदर अगर कोई गलत बात कह दी तो उसके लिए मैं फिर हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा फैला दें, ताकि ये जो डेड बॉडियाँ हैं इनकी पहचान हो जाए। और ये जो नंबर मेरा चल रहा है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, और इसके ऊपर आप मुझे 24 घंटे किसी भी टाइम कॉल कर सकते हो, मैं आपकी कॉल को पिक करूँगा। आपका कोई संदेश है, कोई आदेश है, या आपकी कोई समस्या है, तो आप मुझे मैसेज करें यूट्यूब पे, व्हाट्सअप पे, जहाँ पे भी आपको दिल करे कॉल करके मुझे मैसेज करें, मैं आपकी आवाज़, आपका मुद्दा उठाऊँगा। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ, कल फिर एक नई कहानी, एक नए वीडियो के साथ मिलूँगा। जय हिंद।